बीमा क्लेम की राशि को लेकर धरना दे रहे किसानों के बीच इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला पहुंचे। उन्होंने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सिरसा उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त उन्हें जांच का आश्वासन दिया और इस मामले की जांच सिरसा एसडीएम को सौंपी। वही किसानों का धरना आज 8वें दिन भी जारी है। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। सिरसा उपायुक्त से मुलाकात के बाद दिग्विजय चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैंक अधिकारियों की लापरवाही से किसानों के साथ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दिग्विजय ने कहा कि उन्हें सिरसा उपायुक्त द्वारा दिए गए जांच के आश्वासन पर उन्हें पूरा भरोसा है। आज जिला सिरसा के उपायुक्त महोदय से जो जमीनों के मुआवजे को लेकर के एक बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा स्कैम जिला सिरसा के किसानों के साथ हुआ, बैंक के लोगों ने अनियमितताएं कर करके प्रीमियम काट करके और उस प्रीमियम को बाद में उल्टा लुटा दिया, वो आगे इंश्योरेंस कंपनीज तक नहीं गया, उसका इंटरेस्ट का क्या हुआ, क्यों वहाँ कंपनीज तक नहीं पहुँचाया गया, उन कंपनीज का क्या इंटरेस्ट था, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन सारी बातों को लेकर के हज़ारों किसानों की समस्या जो है जिला सिरसा की, हम उपायुक्त महोदय से मिले हैं। और इससे पहले क्योंकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो थे उनकी इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं थे तो ये बात भी डीसी साहब ने मानी, और अब क्योंकि नए एसडीएम यहाँ पर आएंगे तो किसानों को इस बात के लिए विश्वास दिलाया कि ये इंक्वायरी नए सिरे से उनको दे करके बैंक के लोगों पर इस पूरे स्कैम की जांच होगी और जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसके साथ फिर न्याय होगा। किसी भी व्यक्ति ने किसान की पूंजी पर बुरी नज़र अगर डाली है तो फिर उसको दंड भी मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। और हमने आज विश्वास कर करके जो सारा हमारा आज किसानों का समूह था, डीसी साहब की बात पर विश्वास कर करके हमने उन्हें ये कहा है कि आप इस पर आगे बढ़ें, और मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब, उपायुक्त महोदय जो हैं, इस पर उपयुक्त कार्रवाई कर करके किसानों को न्याय दिलाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को जिसने ये बुरी नज़र किसानों की पूंजी पर डाली है, उनकी गाड़ी खून पसीने की कमाई पर जो डाली है, उसे फिर न्याय मिले। उसमें ये माना गया कि जो सरकार की तरफ से सब्सिडी जारी की जाती है वो भी इसमें घोटाला किया गया। निश्चित तौर पर, क्योंकि सब्सिडी सरकार की तरफ से जारी की जाती है और वो इन कंपनीज़ के पास आती है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइमा फेसी, किसी अगर सड़क चलते रागिर को भी अगर हम ये बताएंगे तो फिर ये लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम। करण दलाल द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब को दिए जाने के बयान पर दिग्विजय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ करण दलाल की व्यक्तिगत जागीर नहीं है कि ऐसे बयान दे। करण दलाल हैं कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब को देना चाहिए, उसके बदले काम के आदमी की बात करनी चाहिए हमें। वो आदमी पता नहीं सुबह उठ के क्या कहे, शाम को क्या कह दे, ऐसे लोगों की बात हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्टेबल लोगों की, पॉलिटिकल लोगों की, या कोई अगर जिनके प्रति किसी जो हरियाणा के प्रति रहे, चंडीगढ़ दे दें। कैसी बात कर रहे हो, चंडीगढ़ दे दें? क्यों, करण दलाल के घर का खाता है क्या, चंडीगढ़ दे दें? वहीं आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी अभी भी आम आदमी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा में चुनाव प्रचार करने से पार्टी को मजबूती मिली थी। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया गठबंधन, कल गोपाल राय का जिस तरह से बयान आया कि गठबंधन नहीं होगा। देखिए, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ, मैं मेरी पार्टी की बात करूँगा। हम आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, सेटिस्फैक्ट्री मेहनत की सब लोगों ने, हम जनता के बीच में गए, लोगों ने जो रिजल्ट दिया उसको हमने सिर माथे लगाया। हम और आम आदमी पार्टी समान विचारधारा के लोग हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा में आकर जो हमारे लिए प्रचार किया उससे हमें बहुत फायदा हुआ, तो फिर गठबंधन में सब कुछ स्मूथ है। और अगर ऐसी कोई बात है, अगर उन्होंने कोई फैसला किया है, जब वो हमें कन्वे करेंगे तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो आप पक्ष में हैं गठबंधन के? बिल्कुल पक्ष में हैं। पॉलिटिक्स में, राजनीति में चौधरी देवीलाल जी से हम एक बात सीखे हैं कि समान विचार के लोगों को हमें अपना दोस्त बनाना है, निश्चित तौर पर उनको साथ।
वही नगर परिषद व नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए सीधे चुनाव कराने के सरकार के फैसले पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रणाली को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव द्वारा लिखे गए संविधान को भाजपा बदलना चाहती है, इसका जवाब आगामी चुनाव में जनता उन्हें देगी। कैबिनेट में चर्चा हुई है जिला परिषद और नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव सीधे कराए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयास है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर में बदलने की तरफ है। ये हिंदुस्तान को अमेरिका बनाना चाहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कि असंभव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अपनी शाही से लिखा है उसको बदलने का प्रयास बीजेपी अगर करेगी तो फिर लोग उसका उपयुक्त जवाब देंगे। वही दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा के युवाओं को रोजगार आरक्षण देने के लिए दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में है, अगर इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा तो इसके पीछे नहीं हटेंगे। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। दुष्यंत चौटाला का बयान आया था दो दिन पहले कि इंडस्ट्रीज को लेकर युवाओं को नौकरी देने की बात की गई थी। बातें ये भी निकल कर आई कि दुष्यंत चौटाला जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की तर्ज पर चल रहे हैं, जिस तरह से बाल ठाकरे। उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे हरियाणा के नौजवानों के लिए बाल ठाकरे की आइडियोलॉजी से कुछ उठाकर और उसे इम्प्लीमेंट करना पड़े तो फिर उसमें मैं संकोच नहीं करूँगा। हरियाणा के नौजवानों के रोजगार के की रक्षा की जब बात आएगी तो निश्चित तौर पर फिर हम हर संघर्ष करेंगे। आज हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर्स में, आप भी हरियाणवी हैं, सब यहाँ खड़े हैं, सिर्फ 8% हरियाणवी बचे हैं, ये शॉकिंग है। तो उसके लिए संघर्ष कौन करेगा? कोई पंजाब से और कोई और अन्य प्रदेश से आकर नहीं करेगा, हमें करना होगा, आपको भी करना होगा। और आपको भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर हम हरियाणवी को हक दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए इस लड़ाई में आपको साथ आना चाहिए। तो आप भी उस आइडियोलॉजी पर चलेंगे क्या? मैंने ये कहा कि हम हरियाणा के नौजवानों के रोजगार के लिए हर संघर्ष और हर तत्पर तैयार रहेंगे, पहली पंक्ति में तैयार रहेंगे, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अख्तियार।